आप देख रहे हैं 575 ounces का एक नया नवेला एपिसोड एंड वी आर कमिंग टू यू अ डे आफ्टर द विमेंस वर्ल्ड T20 फाइनल, एक ऐसा फाइनल जो कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मात दी बाय 85 runs एंड विनिंग येट अनदर वर्ल्ड T20 टाइटल। लेकिन उस मैच का पोस्टमार्टम एनालिसिस मैंने और जेमी ऑल्टर ने कल के शो में कर ली थी, तो आज हम लोग मैच के बारे में बात नहीं करने वाले, बट इनफैक्ट वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट 3 week टूर्नामेंट। 3 हफ्ता चला ये वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ अ सक्सेस इट वाज एंड कर्टस of that tournament, how healthy is the women's sport? और उसके बारे में मेरे साथ ऑफकोर्स आज शो पर हैं जेमी ऑल्टर और साथ ही में मेलबर्न से हमारे साथ जुड़ रही हैं रीका रॉय, डेप्यूटी एडिटर ऑफ NDTV 24/7, जो पिछले 3 हफ्ते से इस टूर्नामेंट को फॉलो कर रही हैं। रीका, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस, दिस 3 week एक्सपीरियंस, इफ यू पुट इट इनटू माइंड दैट द विमेंस गेम वेयर इट वाज बिफोर दिस टूर्नामेंट एंड पोस्ट द एंडिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट, हाउ हेल्दी इज द गेम नाउ? अर्जुन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सारे दर्शक जो कि देखने के लिए आए थे टूर्नामेंट का पहला मैच और टूर्नामेंट का आखिरी मैच, वो बताते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट का जरिया है और वो बेहद खुश है इस टूर्नामेंट को देख के। और साथ साथ सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि काफी महिलाएं आए हुए थे, काफी बच्चे आए हुए थे और उनको काफी प्रोत्साहन मिला ये टूर्नामेंट देख के, जैसे लड़कियों ने खेला है। और ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स क्रिकेट का पहले से ही कल्चर रहा है, लेकिन अब इस टूर्नामेंट में इंडिया ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अभी भारतीय बच्चे बच्चियां भी क्रिकेट खेलने वाले हैं। और अगर कल का फाइनल देखें तो सिर्फ भारतीय मूल के जो लड़के मेलबर्न में रहते हैं वो नहीं, बल्कि मैंने कुछ लोगों से बात करी जिन्होंने ओहायो से, जो कि अर्जेंटीना से, टोरंटो से, लंदन से, काफी जगह से आए हुए थे इन लड़कियों को देखने के लिए और इन लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए। रीका, बिफोर जेमी आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कहना चाहूंगा आपने हमें बैक फुट पे डाल दिया विद योर हिंदी, इतनी शुद्ध हिंदी तो हमने भी नहीं सोचा था, प्रोत्साहन एंड ऑल, क्या बात है। मैंने आपसे सीख ली है। हाँ जी सर। रीका, you know, I want to ask you, we know that Australians, they love their sport. But ab ye batayein ke stadium ke bahar, in terms of advertising, in terms of, you know, logo ko bolna ke yahan pe ek World Cup chal raha hai, wo mahol kaisa dikh raha? Aap wahan hain teen hafte se lagbhag. जी, और सिर्फ वो माहौल जो है मेलबर्न में नहीं, मेलबर्न को स्पोर्टिंग सिटी, स्पोर्टिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। जो माहौल के बारे में आपने बात किया, सिर्फ मेलबर्न में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के हर शहर में देखा गया था। हालांकि सिडनी, पर्थ और कैनबेरा में ब्रांडिंग बहुत कम था, ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज जितना मेलबर्न में है उतना शायद ICC को नहीं मिला था। पर जगह जगह में जब मैंने उनको कहा कि लोगों को कहा कि मैंने वर्ल्ड कप कवर करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ वर्ल्ड कप कवर करने के लिए, तो सबको पता था कि लड़कियाँ, भारतीय लड़कियाँ किस तरह की टीम लेकर आई है और ट्राई सीरीज में कैसे परफॉर्म किया है, किस तरह के टीम मतलब 15 जो लड़कियां हैं उनमें करीब करीब 9 लड़कियां हैं जो कि 22 साल के कम उम्र वाली है। ये सारी चीजें ज्यादातर लोगों को यहाँ पर पता था और कोई न्यू एंटिटी, भारतीय टीम कोई न्यू एंटिटी नहीं था। हालांकि ये जो हरमनप्रीत कौर के जो टीम है वो बिल्कुल एक नया आउटफिट है और हरमन का खुद का कहना है कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, ट्राई सीरीज के फाइनल तक पहुंचना और यहाँ पे भी फाइनल तक पहुंचना, 4-4 मैच जो है वो जीतना, जीत के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। पिछले बार अगर आप देखेंगे तो वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और इस बार उन्होंने फाइनल खेला है, ये अपने आप भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि आज का कल का मैच वो जीत नहीं पाए क्योंकि शुरू से ही दबाव में थे, शुरू से वो जो दो कैच उन्होंने छोड़ा था शायद वो उनको काफी भारी, काफी महंगा पड़ गया था। रीका, इफ यू वर टू टॉक अबाउट द टूर्नामेंट, वुड वी बी राइट इन सेइंग कि ये महिला क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, मोस्ट सक्सेसफुल इन व्हाटएवर टर्म्स यू मे पुट इट? कहूंगी कि महिला क्रिकेट के लिए टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इससे पहले महिलाओं के खेलों में
6,000 से ज्यादा दर्शक मौजूद हुए थे फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में, यहाँ पे करीब करीब 86,000 दर्शक थे, लेकिन जो थे उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये जो प्रोडक्ट है ये वॉचेबल है, एंटरटेनिंग प्रोडक्ट है और ये देखने के लिए वो बार बार आएंगे। तो कामयाबी यहीं पे है कि लोगों को लुभाया है ये महिलाओं के क्रिकेट ने, और सिर्फ क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं पर उन्होंने जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला है इससे लोग काफी खुश है और काफी मतलब उनको काफी अट्रैक्टिव लगा है और चाहते हैं कि ऐसे ही क्रिकेट होता रहे, ऐसे ही उनको मनोरंजन मिलता रहे और वो स्टेडियम में वापस आते रहे। रीका, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम की, ये तो मतलब जो लोग देखते हैं क्रिकेट इनको पता है कि वुमेन्स बीबीएल सबसे बड़ा टी20 लीग है फॉर वुमेन्स क्रिकेट। इज द फैक्ट दैट यू नो ऑल दीज प्लेयर्स हैव कम थ्रू दैट सिस्टम और अभी हाल ही में उन्होंने खेला है, वाज देयर अ बिग रीजन इन द टीम विनिंग द ट्रॉफी इन द एंड? मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है WBBL, और जैसे आपने देखा है कि पहले जो हमारे जो दो तीन लड़कियां हैं WBBL में हिस्सा लिया है उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और हरमनप्रीत कौर जिन्होंने WBBL में हिस्सा लिया है उनका ये कहना है कि जब ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स पे आप खेलते हैं, जब वो माहौल आप एक्सपीरियंस करते हैं तो अपने आप में आप मेंटली काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी ऑड्स। तो शायद हरमनप्रीत कौर एक खिलाड़ी थे और स्मृति मंधाना दूसरी खिलाड़ी थी जिनको ये सारे माहौल और ग्राउंड्स के बारे में यहाँ का पता था, और जिस जो कि वाइटल इनपुट्स वो अपने टीम को दे पाए थे। जहां तक ऑस्ट्रेलियन लड़कियों का कहना है, इन सबने WBBL खेला है और इन्होंने प्रेशर सिचुएशन, प्रेशर क्या होता है ये एक बार नहीं बार बार महसूस किया है, और शायद ये प्रेशर महसूस करना, प्रेशर को डील करना, ये जो सीख इनको WBBL से मिला है ये फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल में भी काम आया है। रीका, हमें कुछ गपशप बताइए, कुछ गॉसिप बताइए मोर इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप लोगों ने BBL की यहाँ पे बात करी, शिफाली वर्मा एंड दी अदर इंडियन प्लेयर्स अदर देन हरमनप्रीत एंड स्मृति मंधाना, विच क्लब्स और टीम्स इफ आई मे से फ्रेंचाइजेस, इज देयर एनी मर्मर्स टॉक्स ऑफ फ्रेंचाइजेस अप्रोचिंग दीज न्यू इंडियन प्लेयर्स? मुझे लग रहा है कि शिफाली वर्मा को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, अ लॉट ऑफ फ्रेंचाइजेस आर टॉकिंग अबाउट पूनम यादव, राधा यादव, वेदा कृष्णमूर्ति जो कि पहले भी खेल चुके हैं, तो इनके बारे में काफी सारे इंक्वायरीज अभी से ही आया हुआ है, और लग रहा है अगर BCCI अलाउ कर देंगे तो शायद अगला WBBL में ये भी शामिल हो सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि इनके कामयाबी ऑस्ट्रेलिया के कामयाबी को देखते हुए BCCI को अभी विमेन्स क्रिकेट पर जोर देना चाहिए, विमेन्स क्रिकेट के जो IPL है उस फॉर्मेट को बड़ा करना चाहिए, एटलीस्ट ज्यादा टीम्स होना चाहिए और ये ड्यूरेशन लंबा कर देना चाहिए ताकि इनको ज्यादा मैचेस मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा मैचेस मिल पाएगा तो ज्यादा मैच प्रैक्टिस मिलेगा इन लड़कियों को, और अगले टूर्नामेंट में वो इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। रीका, अगर हम बात करें फाइनल के, तो हमारे दर्शकों को मालूम होगा कि यू नो ऑलमोस्ट 90,000 लोग आए थे MCG में, जो कि एक रिकॉर्ड है फॉर अ वुमेन्स मैच। पर अगर हम बात करें ओवरऑल वुमेन्स गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की, अगर कोई भी ICC इवेंट हो, ICC और ब्रॉडकास्टर की यही बहस रहती है कि जब तक स्टेडियम फुल नहीं है तो फिर वो फीलिंग नहीं आती, और उनसे फ्रेंकली द ब्रॉडकास्टर्स कैन नॉट मेक इनफ मनी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो लोग, फाइनल को छोड़िए, हर मैच में एटलीस्ट इंडिया मैच में लोग देखने आए थे, तो इससे सीख क्या मिलती है कि आप वही मैचेस खेलिए, वही टूर्नामेंट होस्ट करिए जहाँ पे ज्यादातर इंडियन, श्रीलंकन, वेस्ट इंडीज, एशियन फैंस रहते हैं, द NRI ऑडियंस? ये बात तो हमको मान लेना पड़ेगा दैट वी आर 1.3 बिलियन, और जहां पे भी हम जाएंगे और भारतीय मुल्क के लोग मौजूद होंगे, और जैसे कि मैंने आपको कहा अर्जेंटीना से, ओहायो से, और टोरंटो से, लंदन से, कई जगहों से लोग आए हुए थे मेलबर्न में ये मैच देखने के लिए,
और इनका अगर आप जज्बा देखें वो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि अपना काम से छुट्टी लेकर ये विंडो निकाल के इन लोगों ने इतने दूर तक ऑस्ट्रेलिया तक ट्रैवल किया है। ये बात जरूर है जहां पर भारतीय मुल्कों के लोग हैं और क्रिकेट है वहां पे शायद ब्रॉडकास्टर को भी अपॉर्चुनिटी दिखेगा और जो गेट मनी है उन स्टेडियम में वो स्टेडियम्स को गेट मनी भी मिलेगा क्योंकि आज के मैच में मुझे नहीं पता कल के मैच में सॉरी मुझे नहीं पता 50-50 था या ज्यादातर भारतीय मुल्क के लोग थे। देखकर मुझे लग ज्यादा रहा था सारे भारतीय हालांकि ब्लू में ब्लू जर्सी जो कि मेंस क्रिकेट के लिए पहनते हैं उतने सारे ब्लू जर्सी में नहीं थे क्योंकि जो स्टेडियम के बाहर स्टॉल्स लगता है वहां पे बहुत सारी ब्लू जर्सीज बेच नहीं रहे थे, बहुत सारी येलो जर्सीज बेचा जा रहा था तो इसलिए लोग शायद अपने अपने शर्ट्स में थे, उतना सारा सी ऑफ ब्लू नहीं दिख रहा था। पर ये बात जरूर है बहुत सारे भारतीय मुल्क के लोग थे, सिर्फ वो ये मैच में नहीं बल्कि पर्थ में अगर देखे, सिडनी में देखे और जो टूर्नामेंट के जो टूर्नामेंट का जो पहला मैच था तब भी 14,000 लोग ओलंपिक शो ग्राउंड में मौजूद थे, उसमें से 8,000 लोग 8,000 से ज्यादा इंडियंस थे। रिका जस्ट मूविंग अलोंग एंड ओवर द कोर्स इन 3 हफ्तों के बीच में कुछ कहानियाँ बताइए हमें, एंड नॉट नेसेसरली आई एम आस्किंग अबाउट द इंडियन टीम, बट कहानियाँ प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स दैट यू पिक्ड अप ओवर द कोर्स ऑफ दीज 3 वीक्स, बिकॉज जो भी मैं कहानियाँ पढ़ रहा हूँ वुमेंस वर्ल्ड कप को लेकर और जो लोग टूर्नामेंट को आके देख रहे हैं, इट्स वेरी यूनिक फ्रॉम वॉट यू जनरली हियर इन अ मेन्स टूर्नामेंट, तो ऐसा कुछ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैंने जो देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसमें आए हुए हैं। पुरुषों के टूर्नामेंट में देखा जाता है कि ज्यादातर जो पुरुष है वो आते हैं, महिलाएं भी आती है बट कम महिलाएं आती है T20 और 50 ओवर्स देखने के लिए। पर यहाँ पे मदर्स अपने किड्स को लेके बहुत सारे आए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो जब आते हैं तो सिर्फ उनको ग्राउंड के अंदर रहने के लिए रहना नहीं पड़ता है, बाहर जाके वो खुद अपना खेल भी सकते हैं, खुद अपना अपना क्रिकेट में भी आप क्रिकेट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो लोग काफी काफी सारे बच्चों को यहाँ पे आने का मौका मिला, इन लड़कियों से मिलने का मौका मिला। सिडनी के जो सॉरी मेलबर्न के जो फ्लिंडर्स पार्क है वहां पे भारतीय और ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए एक बहुत ही अनोखा इंटरेक्शन, फैन इंटरेक्शन रखा गया था फाइनल से एक दिन पहले। वहां पे हरमनप्रीत कौर से मिलने के लिए एक बहुत लंबी लाइन लग गई थी, सारे बच्चे चाहते थे उनसे मिलने के लिए और उनकी तरह बनने के लिए। और कई कई मदर्स तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा भी यहाँ पर लगा रहे थे, उनको लगा कि शायद अगर बेटियों को क्रिकेट खिलाए तो वो हरमनप्रीत जैसे स्मृति मंधाना के जैसे बनेंगे। तो यहाँ पे महिलाओं के क्रिकेट को लेकर काफी जोश था और अर्जुन इस टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया आज नहीं बल्कि 3 साल से प्रिपेयर कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर टूर्नामेंट के पहले दिन से आप सोचे तो हरमनप्रीत ने कहा था कि उनका प्रेफर्ड फाइनल ओपोनेंट होगा ऑस्ट्रेलिया, और मैग लैनिंग ने भी यही कहा था कि प्रेफर्ड ओपोनेंट है उनका इंडिया। और ये जो फाइनल था कल का ये ड्रीम फाइनल था क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स नहीं फैंस नहीं बल्कि लड़कियां भी चाहती थी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक दूसरे से भिड़े फाइनल मैच में। रीका, आपने अपने ऑस्ट्रेलिया में समय में भारतीय टीम को काफ़ी करीबी से देखा होगा, मैच के बाद कल जो विजुअल्स हमें देखे थे यहाँ इंडिया में, शिफाली वर्मा की आंख में आंसू, सीनियर प्लेयर्स उनके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, अगर देखिए 1 साल बाद अगर 50 ओवर वर्ल्ड कप जब ये भारतीय टीम जाएगा तो इस दिन से, हालांकि टीम 99 पे ऑल आउट हुए थे, पर क्या सीख मिलेगी प्लेयर्स लाइक शेफाली, जमायमा जो कि 19 साल के हैं, यंग प्लेयर्स को, कैन दे लुक बैक एट दिस डे एंड से यू नो वी सॉर्ट ऑफ केम ऑफ एज एट द एमसीजी? जेमी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा इनका। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये 15 मेंबर टीम में 9 लड़कियां ऐसे हैं कि 22 साल या 22 साल के कम उम्र वाली है, तो इनके लिए काफी सारे आईसीसी फाइनल शायद बचे हुए हैं आगे आगे, तो काफी सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स और शायद फाइनल में हिस्सा लेंगे। और आज का जो है और कल का जो था
उसमें शायद उनको एक बड़ी सीख मिली है कि प्रेशर कैसे, प्रेशर सिचुएशन में कैसे खेलना है, और अगर प्रेशर में आ गए तो वो ओवरकम कैसे करना है. क्योंकि एक बात है कि ये जो दोनों टीम है, इन दोनों टीमों में किसी भी प्लेयर को 90,000 दर्शक के सामने पहले खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था. एंड द की यस्टरडे वाज कटिंग आउट द नॉइज. तो जिन्होंने ये और एंड में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रेशर को, इस प्रेशर सिचुएशन को काफी अच्छी तरह से हैंडल की, पर इंडिया को क्योंकि इनएक्सपीरियंस था, यूथ के जोश थे, तो ये प्रेशर को, ऑडियंस प्रेशर को ओवरकम करना इंडिया के लिए मुश्किल था. रीका, बिफोर वी से गुड बाय टू यू, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज 3 वीक्स, क्योंकि आप काफ़ी प्लेयर्स से मिले होंगे, मैनेजमेंट से मिले होंगे, ब्रॉडकास्टर्स से मिले होंगे, हाउ मच चैटर वॉज देयर अराउंड एन इंडियन IPL फॉर वुमेन्स? वेल, दे ऑलरेडी हैव अ शॉर्ट IPL विंडो for the women, but that's what Harmanpreet Kaur said, that she thinks that if there is a longer window for women's IPL, if there are more teams, then शायद उनके लिए भी और ज्यादा matches खेलने का मौका होगा, prepare करने का मौका होगा. और यही जो लड़कियां हैं जो कि जिनके पास इतने experience नहीं है, तो वो experienced हो जाएंगे और ये बड़े matches के लिए, बड़े matches खेलने के लिए भी prepared रहेंगे अब से. और जैसे कि जेमी ने कहा कि अगले साल 50 ओवर वर्ल्ड कप है, 50 ओवर वर्ल्ड कप के प्रेपरेशन के लिए शायद इंडिया को मैचेस, ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने के लिए खेलने का जरूरत है. और वो BCCI से बेसिकली हरमनप्रीत कौर ने डिमांड किया है कि उनका शेड्यूल ऐसे रखे कि उनको ज्यादा मैचेस मिले और काफी टाइम पहले से वो प्रेपरेशन शुरू करे. Rika, final question for you. Over the course of 3 weeks, favorite memories for you covering this tournament? I would say the kids who had come to meet the teams and the kind of questions they asked and the enthusiasm I saw in them and the glint in their eyes. खासकर एलिस पेरी यहाँ पे एक बहुत, she's one of those iconic figures in women's cricket, women's sport. उनसे मिलने के लिए काफी बच्चे आते हैं. और साथ साथ हमने देखा हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, इनका भी काफी काफी सारा फैन फॉलोइंग है. खासकर जब मैंने फ्लिंडर्स पार्क के इवेंट कवर करने के लिए मैं गई, तो मैंने देखा कि सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स जो है वो कितना चाहते हैं कि ये बच्चियां आगे चल के इनके तरह अपने देश के लिए आइकॉन बने. Alright, Rika Roy, Jamie Alto, thank you so much for joining us on this very special episode of 575 Ounces. Rika, once again, safe journey back to India. Thank you so much for taking your time and joining us. Indeed, I think after this entire conversation, after this entire World Cup, 3 hafte ke baad, there is only one thing to say. Where is the health of women's cricket going? There's only one way to look at it. Up, up and away. आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि अब शायद ये कॉन्वर्सेशन भी शुरू हो जाएगा यहाँ से, क्या मेंस और वुमेन्स टीम को एक जैसे पे मिलना चाहिए, पे स्ट्रक्चर क्या रिवाइज करना चाहिए. हालांकि ऑस्ट्रेलिया में इस बारे में चर्चा हो रहा है, काफी सारे टीम्स जो है उनको मेन और वुमेन को एक जैसे सैलरी मिलता है, और जिस तरह की क्राउड प्रेजेंस देखा गया है, जिस तरह के उत्साह है ये वुमेन्स क्रिकेट को लेके, क्या विराट कोहली और हरमनप्रीत कौर को एक जैसे सैलरी मिलना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल शायद BCCI को हमें मीडिया के तरफ से पूछना चाहिए. बट वी रीका, सिंस यू ब्रॉट इट अप, स्मृति मंदाना ने तो बोला था कि द सेम नंबर ऑफ आईबॉल्स एंड द सेम नंबर ऑफ यू नो, इफ यू पुट इनटू अकाउंट हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग एंड द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, इतना है नहीं. I think her quote was taken out of context. What she meant was, right now, शायद इतने सारे दर्शक हैं नहीं, पर आज का जो कल का जो presence था, वो देख के काफी सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर्स सारे कह रहे हैं कि शायद दोनों बोर्ड्स, BCCI और ECB को सोचना चाहिए
कि मेल और फीमेल क्रिकेट में पे स्ट्रक्चर्स एक जैसे या फिर एक पैरिटी होना चाहिए या नहीं. That would be the next step forward for women's cricket. Rika Roy, once again, thanks for joining us. Jamie, thanks for taking your time as always. Aap dekh rahe the 575 ounces ka ek naya Navela episode. As always, thank you so much for joining. Goodbye. Thank you.